जब सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपी किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। हेमंत विश्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार अन्य कंपनियों से 600 रुपए में पीपी किट खरीद रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। उन्होंने अपने बेटे के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को भी सीधे ठेके दिए। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि मुख्यमंत्री जी के बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने सप्लाई नहीं की, पत्नी की कंपनी ने भी सप्लाई नहीं की, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। लेकिन उसके बाद भी उसको और ठेका दिया गया और अब की बार ठेका दिया गया 990 का नहीं बल्कि 1680 रुपए प्रति किट का। मैं आज बीजेपी के समर्थकों से ये सवाल करना चाहता हूँ, आज वो बताएं खुलेआम सरकारी खरीद का कॉन्ट्रैक्ट देना और वो भी अनाप शनाप रेट पर देना कानूनों में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, और अगर है तो गिरफ्तार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।